हेलो फ्रेंड्स, asanhana.com पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा शॉर्ट वोवल्स। शॉर्ट वोवल्स जो है स्टाइलो के अंदर सिक्स टाइप के जो है वो शॉर्ट वोवल्स होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, फर्स्ट जो वोवल्स हो गया आपका वो होगा आई, सेकेंड आई और ई। देखिए, ए हम लिखते हैं जो बड़ा ए, और इसमें भी सेम साउंड होगी, बट आपने थोड़ा सा डिफरेंस जो देखना है वो स्पेलिंग से देखोगे ए और ई। उसके बाद जो नेक्स्ट वोवल है वो छोटा ई, लॉन्ग वोवल में हमने किया था बड़ा ई, इसमें आएगा जो है वो छोटा ई। फिर उसके बाद आओ और नेक्स्ट है अ, लास्ट आपका वावल है। तो देखिए, जो ऊपर जो मैंने लिखा है आई, आई और ई, ये जो वाले वावल्स हैं ये हम दिखाते हैं लाइट डॉट, और इन तीनों वावल्स को हम दिखाते हैं लाइट डैश। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट वाले वावल्स हैं इसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट, इन दोनों की पोजीशन सेकंड, और इन दोनों वोवल्स की पोजीशन है थर्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में आप जान चुके हो कि लॉन्ग वोवल्स क्या है, तो आज हम कंपैरिजन करते हैं लॉन्ग वोवल्स एंड शॉर्ट वोवल्स के बीच में। देखिए, हमने अगर लिखा है काम और एक बार लिखते हैं कैम, लाइक वेबकैम। काम जो वोवल्स वर्ड मैंने लिखा है उसके अंदर आप साउंड देखते हो कौन सी लॉन्ग वोवल की साउंड आती है, फर्स्ट प्लेस आ, तो लाइन से ऊपर लिखते हैं काम। जो कि वोवल ही लगाते हो ये आप डार्क वोवल आपने शो करना है, लेकिन अगर हम लिखते हैं कैम, कैम के अंदर जो साउंड आती है वो लाइट आती है, तो इसमें आप लाइट वोवल से शो करोगे। ये डिफरेंस होगा लॉन्ग वोवल एंड शॉर्ट वोवल्स के बीच। सेकंड प्लेस पे लिखते हैं हम रेड, और यहाँ लिखते हैं रेड। तो देखिए, रेड ए की जो हम साउंड सुन रहे हैं तो आर और डी, सेकंड प्लेस वोवल जो लगाए मैंने वो डार्क है, लेकिन अगर हम लिखते हैं रेड, इसमें जो वॉवल लगा होगा वो लाइट होगा, ये डिफरेंस होगा। इसके अंदर हमने लिखा ई और शॉर्ट में हम लिखते हैं एल। ईल जो वॉवल हम इसमें सुनते हैं वो डार्क साउंड आती है, मीन्स जो वॉवल होगा वो लॉन्ग वॉवल होगा, थर्ड प्लेस। और एल अगर हम सुनते हैं उसके अंदर लाइट साउंड आती है, तो आप जो वॉवल आप लगाओगे वो लाइट वॉवल होगा। सेम अगर डैश वाले वोवल्स की बात करते हैं, हमने लिखा पॉड, देखिए उसको प्रोनाउंस करते टाइम हम लिखते हैं पॉड, और यहां पे लिखते हैं पॉड। तो इसमें जो हम जो साउंड सुनते हैं वो लॉन्ग वोवल है, अबो द लाइट। यहां पे हम देखते हैं अबो द लाइट बट लाइट वोवल, मीन्स जो शॉर्ट वोवल होगा वो। सेम एक वर्ड और लिखते हैं डॉम, इसमें साउंड आती है डॉम ओ, लॉन्ग वोवल है जो कि सेकंड प्लेस। और यहां से बात करते हैं डम, हमने लिखा डम, इसमें साउंड आती है फ्रेंड्स अ, जो कि शॉर्ट वोवल है, ऑन द लाइन, बट आप वावल जो लिखाओगे वो लाइट होगा। थर्ड प्लेस वाले वोवल की भी बात करते हैं पुल, और अगर यहां पे बात करें पुल, तो फ्रेंड्स जो पुल इसके अंदर बात करते हैं बड़ा ओ, आप सुन रहे हो, देखिए वोवल की पोजीशन चेंज हो जाएगी इसमें। जब भी अगर एक कोई भी एक स्ट्रोक है, सिंगल अगर स्ट्रोक है उसके अंदर, तो थर्ड प्लेस वही पे होगा जो थर्ड पोजीशन है, बट अगर एक स्ट्रोक के बाद नेक्स्ट स्ट्रोक आता है तो फर्स्ट के बाद जो थर्ड पोजीशन वाला वोवल होगा वो नेक्स्ट जो स्ट्रोक है उसके बिफोर में आप थर्ड प्लेस पे दिखाते हो, जैसे मैंने यहां पर शो किया है ये। और पुल अगर लिखते हैं तो उसके अंदर आप लाइट वोवल शो कराते हो। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल्स में। सिक्स जो मैंने बताए थे लॉन्ग वोवल्स थे, और सिक्स जो है वो शॉर्ट वोवल्स है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए आप देखते रहिए asanhana.com।